महिला दिवस के उपलक्ष्य में देवरी के मानस भवन में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीओपी पूजा शर्मा, लीना घोष, ब्रह्म कुमारी समेत कई अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर कोरोना योद्धा, स्वास्थ्य विभाग की महिला, सफाई कर्मचारी, समाज सेवी, महिला पुलिस, आंगनबाड़ी की महिलाओं को सम्मान कर उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। एसडीओपी पूजा शर्मा ने कहा कि अगर महिलाएं स्वयं में सशक्त हो जाए तो वह सभी कार्य को करने में सक्षम होती है। महिलाएं जो चाहे वो मुकाम पा सकती है। महिलाओं से यही कहूंगी कि उन्हें आवश्यकता है कि वो स्वयं सशक्त हों मानसिक रूप से, और उसके बाद जो वो चाहें उसको वो पाले। हम महिलाएं किसी से कम नहीं है। मैं एक नारी होने के कारण महिला को यही संदेश देना चाहती हूँ कि नारी किसी भी अंश में पुरुष से कम नहीं है। वो पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर आज चल रही है, बल्कि वो जननी है, धरा है, भूमि है, वो प्रकृति है। एक नए जन नए जीवन को जन्म देती है। नए जीवन के नाम में अपने घर में रह सकती रखती हूँ, वो कैसे कम हो सकती है। हमारी अपनी शक्ति को पहचाने, आगे आए, और कठिन कुछ भी नहीं अगर हम ध्यान में मंजिल मिलती है अगर हम जाने। सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो महिला सशक्तिकरण के बारे में ही बातें होंगी, जो कि बहुत जरूरी है। शिक्षा जो है आजकल की लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा जैसे सभी ने बताया कि लड़की शिक्षक दो लोग शिक्षित होंगे उसके, और वही लड़की शिक्षित होकर आगे जाके आगे शिक्षा का प्रचार प्रसार करती है। तो सबसे मेन जो जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ से मेरे सबसे मेन मुद्दा है शिक्षा का। अगर लड़कियों को शिक्षित करेंगे तो पूरा समाज शिक्षित होगा, और समाज शिक्षित होगा तो पूरी दुनिया शिक्षित होगा। आगे बढ़ी और आज जैसा प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा लगा कि लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल के आई और भी यहाँ पर स्थित कार्यक्रम को सफल बनाया, मुझे बहुत खुशी हुई। इसी तरह से हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।